जोड़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी राय। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं, साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उछापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग सियासी राय। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रीवा में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के लिए वोट मांगे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, युवा प्रत्याशी को वोट दीजिए और कांग्रेस की सरकार बनवाइए। राहुल ने कहा, मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में देश के हर वर्ग को प्रताड़ित किया है। हम आपसे मोदी जी की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे, जो कहा वो करेंगे। मोदी सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाती है लेकिन गरीब और किसानों के बारे में नहीं सोचती। पांच साल नरेंद्र मोदी ने अन्याय की सरकार चलाई, हम न्याय की सरकार चलाएंगे। 2019 में चुनाव जीतने के बाद रीवा, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। एक लाइन न्याय, नरेंद्र मोदी जी, अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का किसान 20,000 रुपए के लिए जेल जाए तो पहले आप उस चोर अनिल अंबानी को जेल में डालो, न्याय मिलेगा। 5 साल नरेंद्र मोदी ने बता दें, रीवा में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी के हक में वोट मांगे। और इस खबर पर बात करेंगे, अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं रीवा संवाददाता। अरविंद, राहुल गांधी को लेकर बात की जाए तो आज क्या कुछ उनकी सभा में माहौल देखने को मिला और अगर यूं कहा जाए कि क्या कुछ सियासी रंग दिखाई दिया? अरविंद, आवाज मिल रही है आपको? अरविंद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें, रीवा में आज जनसभा को संबोधित किया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने। इस दौरान मोदी पर जमकर निशाना साधा। अनिल अंबानी का साथ देना, अनिल अंबानी को लेकर उन्होंने मोदी को आड़े हाथों लिया, तो वहीं किसानों को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए अरविंद शर्मा संवाददाता रीवा से। अरविंद, राहुल गांधी की आज सभा थी, जनता को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी के हक में उन्होंने वोट मांगे, तो इस दौरान क्या कुछ सियासी रंग देखने को मिला? कमर, आपको बता दें, जिस तरीके से रीवा में राहुल गांधी की सभा थी उसमें लगभग 30,000 से 40,000 लोगों की वहां पे उपस्थिति थी और लगातार इस तरीके से देखा जा रहा है कि यदि चुनाव को लेकर यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस का एक आपस में जो जिस तरीके से उनका चल रहा है जी। और एक तरीके से आज की जो सभा थी उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी हो रहा है और लोगों को ये समझाने में राहुल गांधी जरूर मतलब हमारी जो बातें हुई है लोगों से उसमें ये जरूर बात आई कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी बातों को समझाने में यहाँ के मतदाताओं को सफल हुए हैं और मतदाता कहीं ना कहीं उनके जो न्याय योजना है उससे प्रभावित है। जी कमाल, बिल्कुल। और अरविंद, जिस तरह आपने कहा कांग्रेस का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होता रीवा में दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में अगर बीजेपी को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ रणनीति के तहत बीजेपी की तरफ से काम किया जा रहा है? देखिए, कल यहाँ पे अमित शाह की सभा है जी। अमित शाह की सभा के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा माहौल, आज जो राहुल गांधी वाला माहौल बना है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रीवा के जो सांसद है, पूर्व सांसद या तत्कालिक सांसद जिनको बोला जा सकता है, निवृत्तमान सांसद जो है, उनको देखकर यदि देखा जाए तो एक सामने कांग्रेस से युवा प्रत्याशी दिया हुआ है जिसका बिल्कुल एक पूरी स्लेट जैसा है, जैसे जिसपे एक व्हाइट पेपर है उसमें कुछ लिखा नहीं है और जिस सांसद जो वर्तमान थे उनके द्वारा जो किए गए कार्य है
उसको लेकर एक आकलन चल रहा है और जिस तरीके से मतदाता अपना मन बनाए हुए है जी। वो मतदाता साइलेंट है और इसके बाद देखना होगा कि जिस तरीके से 23 तारीख को यदि यहाँ पे 6 तारीख को मतदान के बाद 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें सब अरविंद बिल्कुल जिस तरह कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर कह रहे हैं कि कोड़ा कागज मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, लेकिन अगर बात की जाए तो सियासत उन्हें विरासत में मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, सियासत जैसे श्रीनिवास तिवारी की यदि बात की जाए तो श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता थे, उसके बाद यदि सुंदरलाल तिवारी की बात की जाए तो वो भी सांसद रहने के साथ विधायक और विधायक के साथ एक मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर जो बात किए करते थे वो एक जिस तरीके से देखा जाता है कि एक माहौल बनाया करते थे जी। और एक जुझारू नेता की छवि उनकी थी जी। तो उस तरीके से जिस तरीके से बात की जाती है यदि वो जुझारू नेता की जो छवि थी इसका फायदा उनको कहीं ना कहीं सिद्धार्थ तिवारी राज को मिल रहा है जी। और अब देखना होगा कि देखिए यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है जी। बीएसपी से विकास सिंह, कांग्रेस से सिद्धार्थ तिवारी जी। और बीजेपी से पूर्व संसद या तात्कालिक संसद जिनको बोला जा सकता है उनके बीच मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ जाति संघ जाति जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दो ब्राह्मण और एक पटेल जी जिसको हम कुर्मी कहते हैं उस तरीके का एक जो सिनेरियो बन रहा है जी। अब देखना होगा कि 23 तारीख को क्या होता है जी। बिल्कुल, मौजूदा सांसद को अभी सांसद ही कहेंगे क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुए हैं अरविंद, और उनको सांसद कह के ही संबोधित किया जाएगा। तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए भोपाल पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राज बब्बर ने कहा भाजपा के पास कांग्रेस की न्याय योजना का जवाब नहीं है, सरकार बनते ही देश में न्याय योजना लागू की जाएगी। यूपी में कांग्रेस की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की नीति प्रदेश में बहुत साफ है, कांग्रेस यूपी में वोट काटने वाली पार्टी नहीं है। वहीं उन्होंने भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधते हुए कहा शिवराज मामा ने जिसे दो बार गिरफ्तार करवाया अब वो उनका ही पर्चा भरवा रहे हैं। राज बब्बर ने कहा लोकतंत्र में लोक नीति से चुनाव होते हैं, युद्ध नीति से नहीं। हमारे साथ जुड़ गए सनी मालवीय भोपाल संवाददाता। सनी, आज राज बब्बर भोपाल पहुंचे और कांग्रेस पार्टी को लेकर प्रचार किया, तो वहीं बीजेपी पर भी हमलावर होते दिखाई दिए, क्या कहा जाए? जी कमर, मैं आपको बताना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए भोपाल पहुंचे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला जी। बब्बर ने साफ तौर से कहा कि बीजेपी के पास कांग्रेस का न्याय योजना जवाब नहीं है, सरकार बनते ही देश में न्याय योजना लागू की जी। देश के हर वर्ग को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस ने किया है, राहुल गांधी न्याय योजना बनाकर देश की मजबूत समस्या और हल निकाला गया है। हताशा बाद बीजेपी कई मंत्री चुनाव तक नहीं लड़ पाए हैं। यूपी में कांग्रेस की स्थिति और बोलते हुए बब्बर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति प्रदेश में बहुत साफ है, कांग्रेस पार्टी यूपी वोट काटने वाली पार्टी नहीं है। वही उनने मोदी सरकार पर ही रुककर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार 2019 में कई बड़े आतंकी और नेशनल टेररिस्ट घोषित किया है, कभी इसका बयान नहीं किया गया है जी। साथ ही उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को भी लेकर भी बयान निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज मामा ने जिसे दो बार गिरफ्तार करवाया था वो उनका ही पर्चा भरवा रहे हैं। राज बब्बर ने कहा कि लोकतंत्र में लोक नीति की चुनाव होते हैं। जी कमर, मैं आपको बताऊंगा इसको लेकर पूरी सियासत पूरी गर्मा गई है वही राज बब्बर के भोपाल आने से। कमर बिल्कुल, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया सनी। रीवा पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लखन घंघोरिया ने स्थानीय सांसद जनार्दन मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। मंत्री ने कहा सांसद को स्वेच्छा अनुदान की राशि जो रीवा क्षेत्र के विकास में लगानी थी उसे आरएसएस के संचालित सरस्वती शिशु मंदिरों को दे दी गई। अगर ये राशि जर्जर हालत की शासकीय स्कूलों को दी जाती तो अच्छा होता, लेकिन सांसद पर आरएसएस के लोगों का दबाव था। वहीं लखन घंघोरिया ने चुनाव को लेकर कहा न कोई फैक्टर है न कोई एक्टर है, इस चुनाव में सिर्फ कैरेक्टर है। स्वेच्छा अनुदान की राशि विकास के लिए पूरे रीवा क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए उनने कहां कहां लगाई, जो लंग प्रश्न है
कि जो स्वेच्छा अनुदान की राशि रीवा के विकास के लिए लगना थी उसको आरएसएस के निर्देशन पर आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिरों को दी गई। अगर ये राशि दीगर स्कूलों को दी जाती जिसमें शासकीय स्कूलों की जर्जर हालत थी उनके निर्माण के लेके तो शायद अच्छा होता। रीवा में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, रीवा संवाददाता, उनसे बात करेंगे इस खबर पर। अरविंद, बात की जाए अनुदान राशि को लेकर और घंघोरिया ने जिस तरह से आरोप लगाया और सांसद को लेकर उन्होंने कहा कि अनुदान राशि आरएसएस के स्कूल में लगा दी गई, सरकारी स्कूल में लगाई जाती तो काफ़ी अच्छा होता। जनार्दन मिश्रा पर उन्होंने निशाना साधा है, क्या कहा जाए, इस तरह के आरोपों का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। देखो, जिस तरीके से देखा जाता है कि यदि संघ से जुड़ा या भाजपा से जुड़ा कोई सांसद या जनप्रतिनिधि बनता है तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों का या भाजपा से जुड़े आनुवांशिक संगठनों का कहीं ना कहीं मदद करता है। इसी के तहत वो सरस्वती स्कूल के जो संस्थान है उनको वो पैसा दिया गया है, जो निधि होती है जी। सरकारी स्कूल में बिल्कुल सही उनका आरोप है कि यदि सरकारी स्कूल में वो पैसा दिया जाता तो कहीं ना कहीं उनके संस्थान बढ़ते और सरकारी स्कूल की एक गुणवत्ता बनती जी। मगर जिस तरीके से संघ और भाजपा के लोगों का आदेश होता है और संघ के लोग जिस तरीके से काम करते हैं वो कहीं ना कहीं इन सांसद और भाजपा के सांसदों में देखा जाता है कि वो सरस्वती स्कूल को ही महत्व देते हैं क्योंकि वो उनका आनुवांशिक संगठन है जी। और इस तरीके से ये देखिए चुनाव का समय है और लगातार इस तरीके के आरोप लगते रहेंगे और इन आरोपों को लेकर जिस तरीके से बात होती है ये भाजपा की तरफ से भी होती है और कांग्रेस की तरफ से होती है। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो वो भी इसी तरीके के जिसको कहेंगे वो करती है, तो ये चीजें हैं और इसमें मेन भूमिका जो है वो जनता की है बिल्कुल। और जनता उसका 6 तारीख को जो वोट के माध्यम से उसको देगा और 23 तारीख को उसकी घोषणा होगी। बिल्कुल, एक चीज और घंघोरिया ने कही है अपने इस बयानबाजी के दौरान, कहा कि चुनाव को लेकर उन्होंने जिस तरह से बात कही न कोई फैक्टर है न कोई एक्टर है, इस चुनाव में सिर्फ कैरेक्टर है, ये बात किस संदर्भ में कही उन्होंने। देखिए, जिस तरीके से रीवा सांसद की बात होती है जी, रीवा सांसद एक खुले हुए व्यक्ति है और जिस तरीके से सफाई को लेकर उन्होंने राहुल गांधी मोदी जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है जी, उस तरीके से वो जो बातें होती हैं उसको लेकर उसमें बात की गई है। और चारित्रिक रूप से देखिए, चारित्रिक हनन करना जब तक आपके सबूत आपके पास नहीं है जी, तो कहीं ना कहीं वो गलत हो और उस परंपरा को या उस चीज को जिस तरीके से इस चुनाव में जो बातें की जा रही है वो गलत है और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए और ये चीजें जो है ये चीजें नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया अरविंद। बात करेंगे अगले सियासी रंग की। कमलनाथ सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें पटवारी लोकसभा चुनाव में वोटरों को खुला प्रलोभन देते नजर आए। वीडियो में जीतू पटवारी ने 25 लाख रुपए की जीप और लग्जरी सामान देने को कहा है और इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी को वोट दे। बीजेपी ने इसे आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताते हुए शिकायत की बात कही है। तो बीजेपी का कहना है मध्य प्रदेश सरकार जान चुकी है उन्हें लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला है, सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पटवारी का बचाव करते हुए कहा सोशल मीडिया से बहुत सी फेक न्यूज चलती हैं और ये बीजेपी द्वारा एडिट किया हुआ वीडियो हो सकता है जिसकी वो जाँच कराएंगे। और मध्य प्रदेश की सरकार ये जान चुकी है लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि सरकार ने जनता के साथ धोखेबाजी की है, सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। वीडियो सच है कि झूठ है पहले इसकी तहकीकात करेंगे हम लोग। हम लोगों ने भी आपके माध्यम से वीडियो देखा है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे फेक न्यूज का जमाना है। एडिटेड वीडियो तो नहीं है, भाजपा द्वारा एडिट किया हुआ डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं, पूरी जानकारी निकालेंगे फिर उस बारे में कुछ कह पाए। सनी मालवीय जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए भोपाल से। सनी, जीतू पटवारी का जो वीडियो वायरल हुआ है वोटरों को प्रलोभन देने की बात इस वीडियो में कही जा रही है और ऐसे में इस वीडियो को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस एक अलग बात कह रही है, बीजेपी एक अलग बात कह रही है, आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है? खबर में आपको बताया था वो कमलनाथ सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। भाई, जीतू पटवारी के लोकसभा चुनाव में वोटरों को खुला प्रलोभन पैसा देकर प्रलोभन कर रहा है। वीडियो में जीतू पटवारी ने 25
लाख रुपए की जीप और लग्जरी सामान के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज साधु को वोट थे। साथ ही जीतू पटवारी ने आदर्श आचार संहिता खुला उल्लंघन किया। वही बीजेपी ने जीतू पटवारी को निशाना साधते कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार जान चुकी है कि चार महीने में सरकार को लोकसभा चुनाव कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार ने जनता के साथ धोखा किया और किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है। आचार संहिता खुला आम उल्लंघन किया, इसको लेकर बीजेपी अब चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएगी। वही कांग्रेस प्रवक्ता नरेश सलूजा ने साफ तौर से यही कहना था कि हमेशा सोशल मीडिया बहुत सी फेक न्यूज चलती है, बीजेपी द्वारा एडिट किया हुआ वीडियो तो नहीं है, इन वीडियो की जाँच की जाएगी। सही सही गलत कमर जी, तमाम बात के लिए सनी आपका धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी की दौड़ से बाहर हो गई है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के महापौर प्रमोद दुबे की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा समय पर काम नहीं कर पाने और आपसी गुटबाजी इसकी बड़ी वजह है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय परिहार ने पलटवार करते हुए कहा स्मार्ट सिटी की दौड़ से बाहर होने के पीछे बीजेपी ही जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ने भरपूर सहयोग किया, पैसा भेजा, लेकिन दुर्भाग्य से रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा था, महापौर कांग्रेस का था। क्षमताओं की बात है, काम नहीं कर पाए। बड़ा दुर्भाग्य हमारा इस रायपुर की राजधानी का। रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के परिषद थी और लगातार कांग्रेस के परिषद ने राज्य सरकार से गुहार लगाया कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमको मदद किया जाए, स्मार्ट सिटी के जो नियम कायदे हैं उसको पूरा करने में हमको मदद किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक द्वेष के चलते रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनने के लिए हमेशा अड़ंगा लगाते रही है। सफाई के मसले पे हो या पेयजल के मामले में हो, कहीं ना कहीं नगर निगम के प्रोजेक्ट को रोकने का काम पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। स्मार्ट सिटी की दौड़ से बाहर हुई राजधानी रायपुर और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अंबेश रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता रायपुर से। अंबेश, छत्तीसगढ़ की सियासत में हर रोज़ कोई ना कोई सियासी रंग ज़रूर देखने को मिलता है। इस बार चुनावी भले ही ख़त्म हो गए हों वहाँ पर, लेकिन चुनाव को लेकर मुद्दों की आरोप प्रत्यारोप ना हो रहा हो, लेकिन नए मुद्दों को लेकर ज़रूर सियासत देखने को मिल रही है। और स्मार्ट सिटी को लेकर अगर बात की जाए तो क्या है इसकी कहानी? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट सिटी रायपुर शहर को बाहर हो जाने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी की दौड़ से बाहर हो गया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड की जो रेस थी, इस रेस में रायपुर पहले ही राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। दरअसल क्वालिफाई करने के लिए 50 अंक की जरूरत थी, जो विभिन्न कहना चाहिए कि स्मार्ट सिटी की रेस के लिए अवार्ड के लिए निर्धारित थे, निर्माण कार्यों के लिए, योजनाओं के लिए। तो इस प्रकार से कहना चाहिए कि रायपुर स्मार्ट सिटी में जो 50 अंक निर्धारित किए गए थे उसको पार नहीं कर पाई, उसको हासिल नहीं कर पाई। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, साथ ही महापौर परिषद जो कांग्रेस की परिषद है उसको भी आड़े हाथों लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता का यही कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार की हीलाबाजी नहीं थी, केंद्र सरकार की तरफ से बराबर अनुदान दिया गया, बराबर सहयोग किया गया, पर निगम में जो कहना चाहिए कांग्रेस की सरकार है, महापौर प्रमोद दुबे जो कांग्रेस की है, उन्होंने कार्य की गति को धीमा किया है, रफ्तार कार्य की ठीक नहीं रही है। यही वजह रही है कि रायपुर स्मार्ट सिटी को वो दर्जा नहीं मिल पाया, स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं मिल पाया और अवार्ड की रेस से वो दूर हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस की नगर निगम की सरकार को घेरा है और भारतीय जनता पार्टी की कहना चाहिए कि उपलब्धियों को गिनाते हुए यही बताया है कि केंद्र सरकार लगातार रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती थी, बराबर मदद करना चाहती थी। जी, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया अंबेश। समाजवादी पार्टी की सभा में कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा की उपस्थिति दर्ज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। लखनऊ में इसको लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शत्रुघ्न सिन्हा का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनको एक राजनीतिक धर्म भी निभाना चाहिए था, उन्होंने नहीं निभाया। इससे ये लगता है कि उन्होंने दल बदला है, दिल नहीं बदला है उनका। जो है एक पैर जो है पैंट के नीचे, खाकी पैंट के नीचे, ऊपर वो है वाइट पैंट है। इससे लगता है कि वो जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए घातक हैं, इसीलिए हम लोग शत्रुघ्न सिन्हा का पुतला फूंका है। वो जिस तरह से
कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए बहुत ही घातक है। लखनऊ में राजपूत क्रांति सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह ने साफ किया है वे किसी विशेष पार्टी के समर्थन विशेष पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राजपूतों को टिकट दिया है। पूरे देश में जहां भी राजपूत समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहां उनका समर्थन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा 2019 के चुनाव में NDA का पूर्ण बहुमत से आना मुश्किल है। अगर नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बनता है तो उनकी मांग है प्रधानमंत्री राजपूत समाज से हो और वे सबसे पहले राम मंदिर निर्माण का काम करें। लोकेंद्र सिंह ने कहा 5 साल तक बीजेपी का केंद्र में बहुमत के साथ रहना और राम मंदिर का निर्माण न करवाना ये बहुत ही अफसोस की बात है। लखनऊ केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश केंद्र बिंदु है राष्ट्रीय राजनीति का। 400 सीटों के चुनाव तक हम सिर्फ हमारे समाज के आदमियों के साथ थे। अब हम कुछ मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो मीडिया में भी है। राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी NDA के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि देश को राजपूत प्रधानमंत्री मिल सके। राजपूत करनी सेना के संस्थापक मेरी इच्छा है और राम मंदिर पर कुछ फैसला आए लखनऊ। इसी के साथ सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 1।